अनदेखी के चलते शहर में चोरों के हौसले बुलंद है। अभी हाल ही में उदयपुर रोड कृषि मंडी स्थित इच्छापूर्ण हनुमान मंदिर में हुई चोरी का पुलिस खुलासा भी नहीं कर पाई कि बीती रात को शहर के सूरजपोल गेट बाहर सुभाष उद्यान के बिचली तालाब की पाल पर स्थित श्री सिद्धेश्वर गणपति मंदिर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए मंदिर से म्यूजिक सिस्टम चुरा कर ले गए। लेकिन चोर कुछ ही दूरी पर स्थित चित्रगुप्त मंदिर के यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम को पटक कर चले गए। श्री सिद्धेश्वर गणपति मंदिर के पुजारी लखन शर्मा ने बताया कि वह शनिवार रात को गणपति भगवान की शयन आरती के पश्चात मंदिर बंद कर घर चले गए। पुजारी ने बताया कि जब वह रविवार को सुबह मंदिर पहुंचे और मंदिर के मुख्य द्वार का ताला खोलकर मंदिर के अंदर जाकर देखा तो गणपति मंदिर के पट का ताला टूटा पड़ा था और अंदर का सामान बिखरा देकर पुजारी दंग रह गया। पुजारी ने मंदिर देखा कि मंदिर में बने कमरे का चोरों ने कुंदा तोड़कर उसमें रखे सामान को भी खंगाला। उसके बाद मंदिर में रखे गल्ले के ताले को भी तोड़ने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं टूटा तो चोरों ने पास ही में रखे म्यूजिक सिस्टम भी चुरा लिया। लेकिन म्यूजिक सिस्टम को मंदिर से कुछ ही दूरी पर बने भगवान चित्रगुप्त के मंदिर के समीप पटक कर चले गए। हालांकि मंदिर में चोरी की कोई बड़ी वारदात नहीं हुई लेकिन खास बात यह है कि करीब डेढ़ माह पूर्व पाल पर ही स्थित पीर प्रछाट बालाजी के मंदिर सहित उद्यान के अन्य मंदिरों में भी अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया जिसकी शिकायत भी मंदिर समिति की ओर से पुलिस को दी गई लेकिन पुलिस चोरी का खुलासा करने में नाकाम रही। बता दें कि इसी सिद्धेश्वर गणपति मंदिर में पूर्व में दो बार चोरी कर अज्ञात चोर मंदिर का करीब 20 किलो वजनी घंटा तथा हजारों रुपए की नकदी चुरा कर ले जा चुके हैं। उनका भी पुलिस खुलासा नहीं कर पाई। वहीं मंदिर समिति के रमेश शर्मा ने बताया कि घटना की जानकारी के बाद पुलिस के 100 नंबर पर फोन किया तो वहां पर किसी ने फोन ही नहीं उठाया। बट सुबह मॉर्निंग में आने के बाद ये पता चला कि मंदिर का ताला तो बाहर से तो लगा हुआ था बट छत से लोग आए थे जो क्या पता अंदर, एक तो मंदिर के अंदर का लॉक तोड़ दिया था और एक अपने रूम का लॉक तोड़ दिया था और एक म्यूजिक सिस्टम को बाहर ले जाकर के पास में चित्रगुप्त जी के मंदिर के पास में रख दिया था वहाँ पर। और फिर क्या सुबह आने पर यह घटना के बारे में पता चला।